साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं धर्तासि, त्वमेव केवलं हर्तासि, त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि, त्वं साक्षादात्मासि नित्यं, ऋतं वच्मि, सत्यं वच्मि, अवत्त्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचा नमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मय त्वं आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममय त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति। त्वं भूमिरापो नलो नीलो नवः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम्। त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्र त्वं इन्द्र त्वं अग्नि त्वं वायु त्वं सूर्य
त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरो गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुरसितम् तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपम् गकार पूर्वरूपम् अकार मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादसन्धानम् सहितासन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकर्षिः निजगायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः मेघदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदौ हस्तै बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तल्लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिना वरः नमो घातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः निश्चय प्रेम प्रतीतिते विनय कर सन्मान तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान जय हनुमंत संत हितकारी सुनिली जय प्रभु विनय हमारी जन के काज विलंब न की जय आतुर गौरी महा सुख दी जय जैसे कूद सिंधु महिपारा सुरसा पदन पैठ विस्तारा आगे जाय लंकिनी रोका मारे हुलात गई सुर लोका जाय विभीषण को सुख दीना सीता निरखि परम पद लीना बागु जारी सिंधु महबोरा अति आतुर जम का तर तोरा अजय कुमार कुमारी संहारा लूम लपेटे लंक को जारा लाह समान लंक जड़ गई जय जय धुन सुरपुर महाभाई अब विलंब के कारण स्वामी कृपा करम पुर अंतर्यामी जय जय लखन प्राण के दाता आतुर होए दुख करहु निपाता जय गिरिधर जय जय सुख सागर सुर समूह समरत भट नागर ओम हनु हनु हनुमंत हटीले बैरहि मारु बज की कीले गदा वज्र लय बैरहि मारो महाराज प्रभु दास उबारो ओंकार हुंकार महाप्रभु धावो बज गदा हनु विलंब न लावो ओम हिंग 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 हनुमंत कपीसा ओम हुं 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 हनु हरि उर शीसा सत्य हो हरि शपथ पाय के राम दूत धरु मारु जाय के जय 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 हनुमंत अगाधा दुख पावत जन के ही अपराधा जा जब तप नेम अचारा नहीं जानत हो दास तुम्हारा वन उपवन मग गिरि गृह माही तुम्हारे बल हम डर पत नाही पाए परों करी जोरी मनावो यही अवसर अब कही कोहरामो जय अंजन कुमार बलवंता शंकर सुमन वीर हनुमंता मदन कराल काल कुल भालक राम सहाय सदा प्रतिपालक भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि बिताल काल मारी मर इन्हें मार दुर शपथ राम की राघव नाथ मर जात नाम की जनक सुता हरिदास कहावो ताकि शपथ विलंब न लावो
जय 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 धनी होते आकाशा सुमिरत होए दुसह दुख नासा चरण शरण करी जोरी मनावो यही अवसर अब कहीं दोहराओ उठ उठ चल तो ही राम दुहाई पाए परों कर जोरी मनाई ओम चंग 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 चपल चलंता ओम हनु 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 हनुमंता ओम हंग हाक देत कपि चंचल ओम संत सामी पराने खल दल अपने जन को तुरतो बारो सुमिरत होय आनंद हमारो बजरंग बाण जही मारे ताही कहो फिर कौन उबारे पाठ करे बजरंग बाण की हनुमत रक्षा करे प्राण की बजरंग बाण जो जापे ताते भूत प्रेत सब कांपे रूप दे जो जपे हमेशा ताके तन नहीं रहे कलेशा प्रेम प्रतीति ही कपी धजे सदा धरे उर ध्यान देह के कारज सकल सुभ सिद्ध करे हनुमान सिद्ध करे ॐ शत्रुमर्दिनी नमः ॐ श्री अम्बिका देवी नमः ॐ मधुसूदनाय नमः ॐ तारकासुर संहन्त्री नमः ॐ शुंभ शुंभ संहन्त्री नमः ॐ श्री दुर्गा माता जगदम्बा नमः ॐ श्री रक्षाकरी नमः ॐ राक्षसघ्नी नमः ॐ श्री चामुंडा नमः ॐ मधुकेतवहन्त्री नमः ॐ नरकान्तका नमः ॐ भन्दासुरमर्दिनी नमः ॐ श्री शिर्दिसाईनाथ नमः ॐ श्री शिवशक्तिपुत्र कार्तिकेय नमः ॐ श्री कार्तिकेय नमः ॐ सर्वासुरमर्दिनी नमः ॐ सर्वबाधाविनाशिनी नमः ॐ सर्वसत्यगुरुमर्दिनी नमः ॐ सर्वभयहारिणीरुद्ररूपा नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः जय श्री माताजी एवरीवन श्री माता जी की असीम अनुकंपा में इस सुंदर प्रातःकालीन बेला में हम समस्त सहयोगी जिन्होंने अपने चित्त अपने भीतर अपने आत्मा में रखने का अभ्यास किया जिन्होंने अपने चित्त के माध्यम से अपनी आत्मा को स्पर्श किया जिनका चित स्वच्छ है परमेश्वरी के श्री चरणों में नत है हर पल हर क्षण हर वक्त परमेश्वरी उनके चित्त में रहती है ऐसे समस्त सहयोगियों को मेरा सादर नमन आप सबका यहाँ हार्दिक अभिनंदन आज के इस कार्यक्रम में हम अपनी चित्त और आत्मा के संबंध को और गहराई से समझेंगे
माँ के अमृतवाणी के माध्यम से और अपने अनुभव के माध्यम से चित्त को पूर्ण रूप से हर जगह से हटा लेंगे और धीरे 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 बटोर के अपने पांव हृदय के अंदर रख देंगे। बाएं हृदय में स्थित अपनी आत्मा को महसूस करेंगे। श्री माता जी, आपकी कृपा से मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। धर्म अंदर जागरूक करने के लिए भी कुंडलिनी का जागरण होना चाहिए। इसका मतलब है कि मनुष्य के अंदर जब धर्म जागरूक होता है तो वो धार्मिक हो जाता है, उसे बताना नहीं पड़ता। कारण जब कुंडलिनी का जागरण होता है तो आपके आत्मा आपके चित्त में आ जाती है, अटेंशन आ जाती है। उसके प्रकाश में मनुष्य वही करता है जो उसके लिए सुखदायी हो, उसके लिए पोषक हो, कंस्ट्रक्टिव हो, और जो कुछ भी नाशवान है, नाशमय है, डिस्ट्रक्टिव है, उसे करता है। ये तो सिर्फ जब तक उसके अंदर आत्मा का प्रकाश जागरूक नहीं होता वो सब गलत सलत काम करते रहता है, इसमें उसका कोई दोष नहीं। अंधेरे में अगर कोई आदमी चले और गिर जाए तो उसे कोई दोष नहीं देना चाहिए, उसी प्रकार की बात। तो आपके अंदर पहले ये सोच लेना चाहिए कि आप कहें हम इस धर्म के हैं, उस धर्म के हैं, और उसको लेकर आप झगड़ा करें या कुछ करें तो ये गलत बात है। सारे धर्म एक ही अध्यात्म के पेड़ में आए हुए सुंदर फूल थे, इनको तोड़ लिया गया और तोड़ करके कह रहे हैं ये हमारा फूल है, ये हमारा फूल है, लड़ रहे हैं आपस में। परमात्मा के नाम पर आप लड़ कैसे, क्योंकि परमात्मा तो प्रेम स्वरूप है, करुणामय, करुणा के सागर जो परमात्मा है उनके नाम को लेकर के लोग लड़ते हो ही नहीं, क्योंकि उन्होंने अभी तक परमात्मा को जाना नहीं, उनकी शक्ति को प्राप्त नहीं। सहज योग में मैंने देखा है कि हजारों लोग एक साथ इस गति को प्राप्त कर सकते, बड़े आश्चर्य की बात। पहले जब मैंने कार्य शुरू किया तो सिर्फ एक स्त्री से शुरू किया और उसके बाद और 12 लोग पार हो, जब अनुभूति आ जाती है तब आप महसूस करते हैं कि चारों तरफ फैली हुई ये चैतन्य सृष्टि एक ठंडी ठंडी बहुत आह्लाददायी शक्ति है जो आप अपने उंगलियों के ऊपर देख सकते हैं, उसको जान सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और आपके जो हथेली है उसमें भी आप महसूस कर सकते। ऐसे ही जब कुंडलिनी 6 चक्रों को भेद करके और ब्रह्मरंध्र से बाहर आती है तब उसका संबंध ये चारों तरफ फैली हुई प्रेम शक्ति से एकाकारिता प्राप्त कर। जब तक आपका कनेक्शन ही नहीं हुआ तब तक आप किस तरह से जान सकेंगे कि ये प्रभु की शक्ति प्रेम की क्या चीज है। और आज ऐसा समय आ गया, ऐसी कोई विशेष बात है आज का कि इतने लोग परमात्मा को खोज रहे हैं,
सत्य को खोज रहे हैं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। और उस खोज में जब उन्हें अनुभूति आ जाती है और जब वो अपनी ओर नजर करते हैं तो उन्हें आश्चर्य होता है कि मैं कल इस कदर शराबी था, ये करता था, वो करता था, और ये सारा मेरा जो कुछ भी जीवन में एक बड़ा भारी कर्तव्य बना हुआ था वो एकदम कैसे छूट गया। मैंने ऐसी कौन सी बात की कि छूट गया। धीरे धीरे इस शक्ति से, आत्मा की शक्ति से, आप देखते हैं कि आप स्वयं ही बड़े शक्तिशाली हैं। और आप देखते हैं कि इस आत्मा की शक्ति से आप दूसरों को भी प्रकाश दे सकते हैं। हमने देखा है लोग बहुत से पहले स्टेज पर भी जाने के लिए डरते थे, अब तो बड़े बड़े वक्ता हो गए। जो लोग कभी कविता करना नहीं जानते वो कविता करने लग गए, बड़े बड़े गाने वाले लोग हैं, म्यूजिशियंस हैं, और बहुत सारे चित्रकार लोग हैं, वो कहां से कहां पहुंच गए। ये तो सिर्फ एक सृजन शक्ति की बात मैं कर रहा हूं, पर अनेक शक्तियां हमारे अंदर हैं जिन्हें हम नहीं जानते, और वो आत्मा के प्रकाश में जागरूक होकर के कार्यान्वित होती है। हम लोग अपने बारे में जानते ही नहीं। असल में हम कहते हैं ये मेरा हाथ है, ये मेरी नाक है, ये मेरा सर है, ये मेरा मेरी बुद्धि है, और ये मेरा विचार है। तो ये मेरा मेरा जो कह रहे हैं ये कौन है? ये अगर पूछा जाए कि मैं कौन हूं, उसका जवाब नहीं। लेकिन आप से और ब्रह्मचंद्र को छेदते हुए इस चारों तरफ फैली हुई प्राप्त करते हैं, आपके हृदय में बसा हुआ आत्मा भी आपके चित्त में प्रकाशित हो जाता है। तब आप समझते हैं कि मैं ये शरीर, बुद्धि, मन, अहंकार आदि उपाधि नहीं, मैं स्वयं शुद्ध आत्मा। बड़ा भारी सत्य जो बड़ा गोपनीय रहा आपके सामने आ जाता है। आप जानते नहीं कि आप आत्मा हैं, पर जब ये घटित हो जाता है तब बोध आपके अंदर होता। अब शब्द बोध बहुत जरूरी है, ये संस्कृत का शब्द है बोध, बोध से ही बुद्ध हुआ। माने ये कि आपकी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उस पर आप महसूस करते हैं इस शक्ति, उस पर आप अपने चक्रों को महसूस कर सकते हैं, आपके उंगलियों, उस पर आप दूसरों के चक्रों को भी महसूस कर सकते हैं। अगर आप अपने चक्र ठीक कर सकते हैं तो आप दूसरों को भी कर सकते हैं। यहां बैठे बैठे आप चाहे कोई मर गया हो और या कहीं बहुत विदेश में रह रहा, उसके भी चक्र जान, सबके चक्रों के बारे में जानकारी हो जाती। आप उंगलियों के ऊपर ही जान सकते हैं कि इस आदमी को क्या तकलीफ है। सब वही बात कहें, उसमें कोई वाद विवाद नहीं, कोई झगड़ा नहीं, क्योंकि आपके पास केवल सत्य आ गया। और इसको जानने के बाद बहुत से लोग, आज ही एक साहब मुझे बताने आए थे, ये वो तो उनका कैंसर ठीक हो, और मैंने कहा क्या किया, कुछ नहीं मां, मैंने तो थोड़ा सा सहयोग का जो कैंसर का इलाज है वो किया और उससे मैं ठीक हो गया। और सबने कहा था कि तुम तो मर जाओगे और यहां तो मैं बिल्कुल ठीक हो गया। तो इसमें मेरी विशेषता है इसे प्राप्त, और विशेषता ये है कि आप जानते हैं ये क्या है, सब कुछ आप जानते हैं। सहयोग में कोई चीज छिपी नहीं, कि कोई गुप्त ऐसा ज्ञान नहीं है, हर एक चीज सहयोग की आप जान सकते, जितना आप जानना चाहे वो जान सकते। तो पहली बात तो ये है सत्य की कि आप शुद्ध आत्मा है। दूसरा सत्य ये है कि चारों तरफ हमारे एक अदृश्य सूक्ष्म परमात्मा की प्रेम शक्ति है जो कार्यान्वित करती है।
अब उससे किसी भी नाम से कहें, जैसे कुरान में इसे रूह कहते हैं, किसी बाइबल में इसे कूल ब्रीज ऑफ द होली घोस्ट कहते हैं, और किसी धर्म में भी आप जाइए तो चैतन्य और परम चैतन्य आदि बहुत सारी चीजें अपने शास्त्रों में भी कही। और अगर पातंजलि योग में आप देखें तो इसे उन्होंने ऋतंभरा प्रज्ञा कहा है। तो जिससे ऋतु बदलते हैं, जिससे फूल निकलते हैं, जिससे जितनी भी जीवित कार्य की प्रणाली है वो सारी घटित होती है, वो यही शक्ति है। तो उस शक्ति से आपकी एकाकारिता हो जाती है और वो आपके अंदर कार्य करती है। उसके बाद आप धीरे धीरे परिवर्तित होने लग जाए, आपका जीवन संतुलन में आ जाता है और आपको अपने हाथ में ही सब चीज मालूम हो जाती कि आपकी कौन सी शिकायत है। जैसे लोग आके मुझसे कहेंगे कि माँ हमारा आज्ञा पकड़ा, माने क्या कि हमारे अंदर अहंकार आ रहा है उसको आप निकाली। पर ऐसे कोई कहेगा कि मेरे अंदर अहंकार है? कोई नहीं कहने वाला। पर जब ये स्थिति हो जाती तो मनुष्य अपने को देखता है कि मेरे अंदर कौन सा दोष है, क्या है, कैसे मुझे। और ये जब हो जाता है तब सामूहिकता में बड़ा कार्य होता है। सामूहिकता में ऐसा कार्य होता है कि एक नया ही सिलसिला चलता है। अब लोग हैं रशिया में, वो भी आत्म साक्षात्कारी है, इंग्लैंड में है वो भी है, जापान में है, हर जगह, और वो सब एक चीज जानते हैं अपने बारे में और दूसरों के बारे में कि इनको क्या शिकायत है और हमें क्या शिकायत है और इसे कैसे करना चाहिए। सब एक ही भाषा बोलते हैं, वो है चक्रों की भाषा। और इस तरह से एक नया युग मुझे दिखाई दे रहा है सामने आ रहा। अब इसमें आप पैसा ऐसा नहीं दे सकते। समझने की बात है कि कोई से भी जीवित कार्य के लिए हम लोग पैसा नहीं दे सकते। अगर कोई बीज है उसको अगर हम जमीन में डालते हैं तो उसके लिए कोई जमीन को हम पैसा नहीं। उसी प्रकार ये एक जीवित कार्य, और इस जीवित कार्य के लिए आपको कुछ पैसा देना नहीं है। और अगर कोई पैसा मांगता है तो पहले समझ लीजिए कि ठगबाज। जय श्री माता जी। अपने चित्त को पूर्ण रूप से अपनी आत्मा में रहने देंगे और इसी आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित होने देंगे। पूरा चित्त बाएं हृदय में, श्री माता जी आपकी कृपा से मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। मैं ये मन बुद्धि अहंकार नहीं, मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं मैं। आत्मा हूं मैं, आत्मा हूं मैं। डिटैच्ड हूं मैं और सुख दुख से। आनंद हूं मैं। चित्त को पूर्ण रूप से आत्मा के गुणों से प्रकाश से भरने देंगे। पूरा चित्त बाएं हृदय के अंदर
धीरे धीरे चित्त को निकालेंगे और अपनी ब्रह्म नाड़ी में रीढ़ की हड्डी के अंदर ले आएंगे, अंदर 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 पूरी तरह से रीढ़ की हड्डी के अंदर हमारा चित्त सबसे पहले श्री गणेश जी को नमन करेंगे मूलाधार चक्र पे, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देह सर्व कार्येषु सर्वदा। हे प्रभु श्री गणेश, आप ही सृष्टि के आदि और अंत है, आप अनंत हैं, कृपा कीजिए और मेरे समस्त चक्रों पे आप विराजित हो जाइए, ब्रह्म नाड़ी पे स्थित मेरे सब चक्रों पे आप विराजित हो जाइए प्रभु, मां कुंडलिनी के मार्ग में आने वाली समस्त बाधाओं को हर लीजिए श्री गणेश जी। पूरा चित रखेंगे रीढ़ की हड्डी के अंदर पूरा चित, चित को उठाएंगे स्वाधिष्ठान चक्र पे, हर चक्र को महसूस करेंगे, रीढ़ की हड्डी के अंदर स्वाधिष्ठान चक्र, श्री ब्रह्मदेव सरस्वती को नमन करेंगे, शुद्ध इच्छा शुद्ध विद्या स्थापित हो रही है, चित्त को और ऊपर उठाएंगे नाभि चक्र पे, श्री विष्णु श्री लक्ष्मी जी को नमन करेंगे, धन धान्य यश कीर्ति शुद्धापूर्ति हर प्रकार की इस लोक में हर वस्तु हर व्यक्ति हमारे समाधान के लिए तत्पर इस चक्र की जागृति से श्री विष्णु जी के आशीर्वाद को महसूस करें, नाभि चक्र पे आत्मा का प्रकाश हर चक्र पे चल रहा है चित्त के माध्यम से, महसूस करेंगे इस प्रकाश को, पूर्ण रूप से समाधान बनाता हुआ ये चक्र महसूस करेंगे, रीढ़ की हड्डी के अंदर बहुत सूक्ष्म बहुत सूक्ष्म बहुत चारों ओर भवसागर चित्त फिराएंगे,
ऊपर उठाएंगे चित्त को मध्य हृदय में, माँ जगदम्बा के श्री चरणों नमन करेंगे, उनकी समस्त शक्तियों को ग्रहण करेंगे अपने मध्य हृदय में। हे माँ जगदम्बा, हे जगत जननी, समस्त देवी देवता आपके दरबार में विराजे हैं, सब हमारी रक्षा के लिए सच सजग नमन करेंगे। श्री गणेश, श्री कार्तिकेय, श्री भैरवनाथ, श्री हनुमान, नमन करेंगे। माँ जगदम्बा बहुत सुंदर रूप में हमारे मध्य हृदय में, उनकी शक्तियों को महसूस करेंगे मध्य हृदय में। जगदम्बा, 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 चित्त को धीरे से उठाने का प्रयास करेंगे। डिटैच होंगे, विशुद्धि चक्र में आएंगे, श्री राधा और कृष्ण को महसूस करेंगे अपने विशुद्धि चक्र में। रीढ़ की हड्डी पे, गोल हड्डी के अंदर ये चक्र चित्त के प्रकाश से प्रकाशित होता हूं। पहनने देंगे इसे चारों ओर, जितनी भी दूर इसका मैग्नेटिक फील्ड है विराट में मिलने देंगे। फैलती हुई तरंगे चित्त को उठाएंगे आज्ञा चक्र में, महसूस करेंगे आज्ञा चक्र, मध्य आज्ञा और बैक आज्ञा, थ्रू एंड थ्रू सूर्य के प्रकाश से भेदन करते हुए किरणें महसूस करेंगे। जीसस क्राइस्ट को नमन करेंगे जो सूर्य में रहते हैं। आज्ञा प्रकाशित हो रही, माँ कुंडलिनी ऊपर आ रही, पूरा चित्त ब्रह्म रंध्र पे रख देंगे, माँ कुंडलिनी को महसूस करेंगे समस्त चक्रों में, सहस्त्रार के चक्रों की पीठ,
नमन करेंगे श्री माता जी के श्री चरण, उनसे बहते हुए परम चैतन्य पूरे लिम्बिक एरिया में फैलने देंगे। श्री चरणों में नमन करके प्रार्थना करेंगे, हे परमेश्वर कृपा कीजिए सहस्रार के ऊपर के चक्रों को भेदन करने में मेरी सहायता कीजिए, हे परमेश्वर कृपा कीजिए पंच तत्वों में विलीन हो सके ऐसा चित्त हल्का कर दीजिए, हे परमेश्वरी कृपा कीजिए मेरे चित्त को ईश्वर में समा दीजिए, चित्त को उठाएंगे अर्धबिंदु चक्र पे, हर चक्र को महसूस करेंगे, बिंदु चक्र, वलय चक्र और ऊपर आकाश में चित्त ले जाएंगे, आकाश से बरसने देंगे परम चैतन्य पूरी सृष्टि में, जीव जंतु जंगल के सभी प्राणी पेड़ पौधे पंच तत्व हवा पानी जमीन आग रीथर एलिमेंट सब जगह परम चेतन चित्त से हर चीज को चैतन्य करेंगे, शुभ कार्यों में आने वाली समस्त अड़चनों को परम चैतन्य दूर करेंगे, पंच तत्वों के माध्यम से पूरे विश्व में फैलाएंगे परम चैतन्य, अमेरिका अफ्रीका सब तरफ से, यूरोप एशिया ऑस्ट्रेलिया सबके प्रेम शक्ति को अपने अंदर भर लेंगे, अपने चित्त में भर लेंगे और उठाएंगे चित्त को अंतरिक्ष और ऊपर उठाएंगे शून्य में, न जल न थल न वायु न अग्नि न आकाश, समा जाएंगे श्री सदाशिव सबके प्रेम की शक्ति चित्त में बसी है, पूरा विश्व
सभी प्राणी 84 लाख योनि 24 आत्मा ने जन्म ली, समा जाएंगे परम पिता में। समझ आएंगे में मैं और मुझ में तो दोनों एक एक चित्त को बाहर निकालेंगे, नमन करेंगे। हे परम पिता, हे परमेश्वर, आपने अपने इस अंश को अपने भीतर समाया, इसे पूर्ण किया, आपको अनंत कोटि नमन, अनंत कोटि धन्यवाद। मनुष्य जीवन के लिए सर्वश्रेष्ठ योनि में जन्म देने के लिए मेरी आत्मा को जागृत करने के लिए मां निर्मला को, आदि शक्ति मां को मेरे उद्धार के लिए पृथ्वी पे भेजने के लिए आपसे योग के लिए अनंत कोटि नमन, अनंत कोटि धन्यवाद। नीचे आएंगे धीरे धीरे अंतरिक्ष में, आकाश में, शिवलोक से आए प्रेम शक्ति परम चैतन्य अपने ऊपर गिरने देंगे। तीनों शरीरों में सूक्ष्म शरीर, सारे चक्र, तीनों नाड़ियां भीगने देंगे परम चैतन्य में।
और चक्र को संतुलित होने देंगे। आंतरिक शरीर में लिवर, किडनी, हार्ट, लंग्स, पैनक्रियास, स्प्लीन, इंटेस्टाइन्स, ब्लैडर, ऑल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, इंटरनली थ्रोट, ऑल द फेशियल ऑर्गन्स, ऑल द ब्रेन सेल्स, एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स, फेस, नेक, बैक, फ्रंट, शोल्डर, आर्म्स, हैंड्स, पेल्विक रीजन, थाइस, नीज, काफ्स, फीट, भीगने देंगे परम चैतन्य। पूरा शरीर भर लेंगे परम चैतन्य से, ऊपर से गिरता हुआ परम चैतन्य। अब चारों ओर फैलाएंगे पूरे घर में, पूरे परिवार में, पूरे समाज में, पूरे समाज में सारी नकारात्मकता नष्ट हो रही, परम चैतन्य फैल रहा है, सहयोग फैल रहा है, धीरे धीरे चित्त को भारत और पूरे विश्व में एक बार फिर से फैलाएंगे। वापस लाएंगे चित्त को, धीरे धीरे चित्त को संकुचित करेंगे, ब्रह्म रंध्र पे रख देंगे, श्री चरण परमेश्वरी के हिमादि शक्ति तेरा तुझको अर्पण। तू ही करता, तू ही कर लेता मान, हम तो सिर्फ माध्यम है। सब आपको समय पे सारा कार्य,
अनंत कोटि नमन है श्री माता जी इस अद्भुत अनुभव के लिए, अभूतपूर्व अनुभव के लिए। धार्मिक ग्रंथों को सिद्ध करने के लिए अनंत कोटि नमन, अनंत कोटि धन्यवाद श्री माता जी। धीरे धीरे चित्त मध्य हृदय में ले आएंगे, माँ जगदम्बा के श्री चरणों में बैठ जाएंगे, यही रखेंगे चित्त को। जय श्री माता जी। आज के ध्यान को यहीं कंक्लूड करें। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी सभी को। जय श्री माता जी सभी। जय श्री माता जी सभी भाई बहनों को। जय श्री माता जी। थैंक यू माता जी। जय श्री माता जी सभी को। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी अलका बेटा सभी भाई बहनों को। जय श्री माता जी। थैंक यू माँ। थैंक यू आपके यंत्र का सुंदर ध्यान यात्रा के लिए। माँ आपका अनंत कोटि धन्यवाद। कितने सुंदर आपने हमें यंत्र सौंपा और उसके साथ हम इतनी गहनतम यात्रा पर जाते हैं। माँ आपका अनंत कोटि नमन, अनंत कोटि नमन। थैंक यू बच्चा। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी अलका दीदी सभी को। जय श्री माता जी। थैंक यू। थैंक यू बच्चा। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी।